धौलपुर झारखंड के कांग्रेस राज्यसभा सांसद धीरज साहू के पास मिली काली कमाई के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर के नेतृत्व कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार का रूप बताते हुए पुतला दहन किया। पुतला दहन को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर ने बताया कि झारखंड के कांग्रेस सांसद के घर 310 करोड़ रुपए की मिली काली संपत्ति, सांसद की 9 अलमारियों में 500, 200 और 100 रुपए की भारी रकम बरामद हुई है। उन्होंने बताया कि जनता से लूटी हुई कमाई भ्रष्टाचारी कांग्रेसी सांसद के पास मिलने पर जिला कलेक्ट्रेट को कांग्रेस को भ्रष्टाचार का रूप बताते हुए पुतला फूंका गया। कलेक्ट्रेट पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए बताया कि जाँच की छापेमारी अभी जारी है, जिसमें और भी कई खुलासे हो सकते हैं। प्रदर्शन के दौरान वार्ड पार्षद अखिल अहमद ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारों की पोल खोलने में लगी है। उन्होंने बताया कि लगातार जांच एजेंसी द्वारा की जा रही कार्रवाई के बाद कांग्रेस के भ्रष्टाचार उजागर हुआ है, जिनके खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है। जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन किया जा रहा है वो भ्रष्टाचार और भ्रष्ट सरकारों के खिलाफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है। एक एक सांसद के पास है जो 250 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। एक छोटे राज्य का बजट होता उतने एक सांसद के पास में पैसे मिले, और ये तो बहुत छोटी मछली है। अभी बड़ी मछलियाँ पकड़ने में आज सुनने में तो बहुत बहुत अजगर पड़े हुए हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा और सबको जेल भेजा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।